इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 25 जून 1975 की रात्रि देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, जिसे भारतीय जनता पार्टी 26 जून को काला दिवस के रूप में मनाती है। इस मौके पर गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का सम्मान समारोह का आयोजन मंगलवार को बैनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला, पूर्व क्षेत्रीय मंत्री उपेंद्र शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, पूर्व महापौर अंजू चौधरी, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, पार्टी के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन, लंदन सिंह सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर किया गया, जिसके पश्चात उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत गाए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को माल्यार्पण और अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इसके पूर्व भाजपाइयों ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व लोकतंत्र रक्षक सेनानी श्री प्रताप शुक्ला को माल्यार्पण और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इंदिरा गांधी की सरकार में देश में लगे इमरजेंसी की जमकर आलोचना करते हुए 28 जून को मगहर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने की बात कही। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए देश में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। वहीं जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया था, जिसमें जनसंघ के तमाम कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जिस देश में कांग्रेस की 400 सीट हुआ करती थी, वह वर्तमान में 40 सीट पर अटक गई है। उन्होंने कहा, बहुत स्वागत है, भारतीय जनता
आदमी परिवार के तरफ से स्वागत सम्मान के बाद ये तस्वीरें लाकर तस्वीरें भाजपा महानगर के पास रहेगा। सम्मान के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं जिन्होंने भारत को दूसरी आजादी दिलाने में अपने युवा अवस्था में लंबे अरसे तक यातना झेली। और मैं तो एक सौभाग्यशाली नौजवान था, कम आयु का लाभ पा करके थाने से दो झापड़ दरोगा के द्वारा मार के खदेड़ दिया गया, नहीं तो मैं भी आज उसी सूची में शामिल होता। लेकिन इसमें से बहुत से लोग जिनके ऊपर लाठियां भी चली, कई लोग बर्फ की सिल्लियों पर भी लिटाए गए और अनेक प्रकार की अमानुषिक यातनाएं दी गई। निश्चित तौर पर जब जब भारत के लोकतंत्र की चर्चा होगी तो 25 जून 1975 के उस काले अध्याय का, उस मनहूस रात्रि की जरूर चर्चा होगी। श्रीमती इंदिरा गांधी के उस तानाशाही स्वरूप का देश के नेताओं ने विरोध किया। लोकनायक जयप्रकाश,
के सभी प्रतिपक्षी दल के वरिष्ठ नेता, हमारे गौरव आदरणीय अटल जी, आडवाणी जी, अन्य नेता सब जेल में रखे गए। और आज पुनः एक बार उस समय लोकतंत्र मिटाने का कुत्सित प्रयास, और आज जब एक नेता लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का निरंतर प्रयास करके पूरे भारत को विश्व मंच पर एक यश और सम्मान दिलाने के लिए कार्य कर रहा, विकास की एक नई गति दे रहा, माननीय नरेंद्र मोदी को सत्याच्युत करने के लिए एक छद्म गठबंधन बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज इस अपने इस कार्यालय पर मैं लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। अब इतिहास में दो शब्द होते हैं, कोई दिन स्वर्णाक्षर में लिखा जाता है और किसी दिन तो काले दिन के रूप में या काली स्याही में लिखा जाता है। 25 जून 1975 का दिन भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक कालिया लिए हुए आया था। इस लोकतंत्र की पूरी परिभाषा ही बदल डाली थी। विश्व में दो बार ऐसी स्थितियां आई, एक बार जर्मनी में हिटलर ने नहीं काम किया था, सभी विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करके जबरदस्ती अपनी जोर की आय को बंद कर दिया था, और ठीक यही काम जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस श्री जयगोपाल दास सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके चुनाव को अवैध घोषित किया, परिवर्तित कर दिया था, न्यायपालिका को बंद करा दिया था, मीडिया को बंद करा दिया था, जनसत्ता पेपर अपने प्रथम पृष्ठ पर बहुत प्रचलित हुआ था। वह पेपर अनेक पेपर अनेक मीडिया के घराने दर्शन के बारे श्रीमती इंदिरा गांधी के कहे हुए शब्दों को लिखने लगे थे। न्यायपालिका कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। जो लोग बंद हो गए थे उन बंदियों को छोड़ करके अगर इतिहास देखा जाए तो इतिहास में केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जन संघ के लोगों के द्वारा ही सत्याग्रह किया गया। हमारे साथ हम निशामती थे, पहले निशामती थे, बाद में बाल प्रसाद को सैनी आए जो हमारे संचालक थे, परेशानी होती थी, लेकिन कहा गया कि वो सौपड़ी के ऊपर बिजली के खंभे पर चढ़कर के तार काटे जा सकते हैं। सभी लोग सत्ताग्रह करके गए थे, बच्चे थे,
राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गए, लेकिन ये लोग तो बच्चे बच्चे और उस समय विरोध करते हुए गए जब कोई बोलने का साहस नहीं कर रहा था, तो भी इंदिरा गांधी ने मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए लोकतंत्र कायम हुए बात को कहते हुए ये सभी के सभी लोग जेल जाने का काम किया। कोई संघ के नाम ले गया, कोई जनसंघ के नाम ले गया, कोई समाजवाद सोशलिस्ट के नाते गया, कोई कम्युनिस्ट के नाते गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए सभी लोगों को जेल में बंद करने का काम किया। अब हम लोग तो नौजवान थे और मुझे लगता है कि सचमुच अगर कुछ किया जा सकता है तो नौजवानी में ही नहीं सकता। हम तो ऐसे कई चेहरे देखे, नुसरत संघ का और जनसंघ का सत्याग्रह शुरू हुआ था, एक हफ्ते में सुना इंदिरा गांधी कभी छोड़े गई, ये सब सत्याग्रह करके चले जा रहे हैं और उसको जलाने का काम कर रहे हैं। अब हम लोग इसी में मर गए, हम लोग फंसे थे तो हम लोगों को भी गाली देते थे, देखो इस तरह फंस रहे हैं। लगता था भगत सिंह जी का आजाद जी का इतना इतिहास बताता है, की बात जब आती है तो उस समय मैं ये देखता था जो भी मर गए थे, बच्चे गए थे, जैसे चौरसिये छोटे थे, नंदन बकवाल आज नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसा माना था कि उसके कान से फूंका गया था, बच्चा था बाहर उसका, उसके कान से फूंका गया था। इस प्रकार का दो लाल काम किया गया था, यही वजह से धीरे धीरे पाप सर्जन करके बोलता है। इमरजेंसी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी की शक्ति आई थी, 400 के सांसदों की क्षमता वाली पार्टी थी। आज जब पाप चढ़ने लगा है तो 44 सांसदों वाली संख्या वाली पार्टियां चल रही है, जो कभी बहुत बड़ी पार्टी थी, आज जो 44 सांसदों की संख्या वाली पार्टी रह गई है, संविधान के अनुसार उसको विपक्ष के राजनीतिक दल की मान्यता संसद में नहीं। लेकिन इस देश में हमेशा वर्ण होता है तो एक परिवार का होता है। आज दिल्ली के सड़कों पर चले जाइए, राज्यों की राजधानियों में चले जाइए, कांग्रेस का शासन था तो कहीं इंदिरा जी के नाम पर भवन है, कहीं नेहरू जी के नाम पर भवन है, कहीं मोतीलाल जी के नाम पर भवन है, कहीं राजीव जी के नाम पर भवन है, कहीं संजय जी के नाम पर भवन है। जैसे इस देश में और कोई राजनीतिक दल नहीं रहा, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं रहा, जो भी रही कांग्रेस रही और कांग्रेस के अंदर नेहरू परिवार। देश की जनता जगी है, तो नरेंद्र मोदी आज इस देश की प्रधानमंत्री और पूरे विश्व में आज भारत की तरफ लोग आंख उठा करके देख रहे हैं कि कैसे हम भारत के नजदीक हैं। हर देश भारत के नजदीक आने का काम कर रहा है, यह वही मार्ग है जो विदेशों में आके नेता जाते थे तो सम्मान नहीं मिलता था, यह वही भारत है कि विदेश के लोग चाहते हैं कि हम इतनी जल्दी से जल्दी हो सके भारत के साथ मिले।